हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी बागा बीच पे हूँ और मैं बागा बीच के बिल्कुल मेन एंट्रेंस पे हूँ। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ ये पार्किंग एरिया है। यहाँ अगर आप फोर व्हीलर या टू व्हीलर लेके आए तो यहाँ पार्क कर सकते हैं अपना कार वगैरह। और ये चार्जेबल है, यहाँ फ्री नहीं है, तो उसका आपको पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे टॉयलेट, वाशरूम और टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, और यहाँ आउटसाइड बहुत सारे शॉप भी है, जैसे कि क्लॉथ शॉप हो गया, काजू शॉप, वाइन शॉप, सन ग्लासेस, बीच पेयर वगैरह यहाँ मिल जाता है। आपको घर से कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ लेडीज़ के लिए भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्लॉथ मिलते हैं, सन ग्लासेस भी आप देख सकते हैं। टैटू स्टूडियो है, परमानेंट टैटू, टेम्परेरी टैटू यहाँ आप बना सकते हैं। और भी बहुत से स्टूडियो है, मैं एक भी एक ही दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और यहाँ आउटसाइड फूड स्टॉल भी है, जैसे कि वड़ा, समोसा वगैरह यहाँ मिलता है, काफ़ी अच्छा ऑमलेट हो गया, मैगी हो गया। तो चलिए देखते हैं अभी बीच के क्या हाल है। तो मैं बीच पर आ गया हूँ और यहाँ टूरिस्ट अभी है, लेकिन इतना टूरिस्ट नहीं है क्योंकि आज सैटरडे संडे नहीं है। ज़्यादातर लोग सैटरडे संडे को आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए बीच पे, और सैटरडे संडे को ज़्यादा ही क्राउड होता है। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था बारिश जो हो रही थी वो अभी बिल्कुल नहीं है बारिश, तो आप बेफिक्र रहिए और बिंदास गोवा जाइए। बारिश अभी कभी नाइट को हुई तो ये हल्की सी बारिश, नहीं तो बारिश अभी है ही नहीं। पूरा दिन ये देखिए आप, कैसा सनशाइन हो रहा है। और इस साइड में काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ स्विमिंग अलाउड होता है। लास्ट बागा बीच का जो बोर्ड देख रहे हैं आप, यहाँ ही पे स्विमिंग आप कर सकते हैं। बाकी आगे और जाएंगे बागा कालंगोड़ के बीच में तो वहाँ स्विमिंग अलाउड नहीं है। तो यहाँ बागा बीच जहाँ पे बोर्ड लिखा है, यहाँ पे आप आके स्विमिंग थोड़ा कर सकते हैं। आप यहाँ लोग करते हैं स्विमिंग, यहाँ कुछ आपको मना नहीं करेगा, लाइफ गार्ड जो भी रहता है। और बाकी यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स भी है, देखिए आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं, बैठ के बियर वगैरह पी सकते हैं। और यहाँ अभी शेक बनना थोड़ा स्टार्ट हुआ है कहीं कहीं पे, तो एक दो शेक अभी जैसे बन रहे हैं वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ चल के। तो आप लोग देख सकते हैं जो बागा बीच पे शेक होते थे वो अभी बनना स्टार्ट हो गए हैं। फिलहाल अभी चालू होने को कम से कम 8-10 दिन लगेगा। और अभी वाटर स्पोर्ट चालू नहीं हुआ है, वाटर स्पोर्ट में तो भी कुछ ऐसे ही 10-15 दिन लग जाएंगे। जैसे ही कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैं ये वीडियो विदाउट माइक रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी, बिकॉज मेरे पास माइक नहीं है। मैं अभी माइक जल्दी लेने वाला हूँ, फिर आप लोगों को वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और वॉइस अच्छी मिलेगी। सो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि मैं हर 2-4 दिन में वीडियो गोवा से अपलोड करता रहता हूँ और आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।